गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह की ठंड पड़ रही है भयंकर। आज हमारा पहलगाम में सेकंड डे है, कल हम आ चुके थे। कल हम थोड़ा मतलब ऐसे ही सिटी वगैरह कर जाके आए हैं, ज़्यादा कुछ वैली नहीं गए गए, थे मतलब बेसिकली। वैली गए थे बाय हॉर्स। पर अब हम जा रहे हैं पहलगाम में, सिंथन टॉप है यहाँ पर कुछ जगह, वहाँ पे देखिए। अब मेरा और बेटू का सेम सेम, देखिए ये हमारा ड्रेस कॉल है, ये भी देखिए इन्होंने जीन्स का जैसा ये पहना है, नीचे जीन्स। तो अब हम जाएंगे सिंधन टॉप। तो सब रेडी हो चुके हैं, सुबह के बजे हैं शायद, मे बी 6:30 बजे हैं। रेडी होके अब हम जा सेवन रहे हैं ओ क्लॉक नाश्ता होने वाला करने के है। लिए। नाश्ता करने के बाद फिर हम जाएंगे घूमने। तो बेटू अभी भी मेरा उठा ही है, जो देखो बेटू चलेगा। सो गाइज वी आर रेडी टू मूव सिंथन टॉप एंड यू सी हेयर एवरीबडी आर रेडी। सो हम सिंथन टॉप जा रहे हैं और ये बीच में देखो अभी अभी हम आए चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पर चाय की मतलब रसोई वाले नहीं उठे थे, तो हमने चाय बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाया था। तो उन्होंने सैंडविच बना के हमें दे दिया था, ब्रेड इसको बटर। ओपन करना। तो हमने ब्रेड बटर तो खा लिया, सबने कार में ही खा लिया। पर हम अब चाय के लिए भैया ने एक जगह रुका है कि देखते हैं कैसे चाय मिलती है। तो सब उतर गए। देखिए हमारा बेटू भी इतने देर से इतने प्यारे से सो रहा था ना, पर अब उठ चुका है चीजी खाने के लिए। बेटू क्या खाओगे? चीजी खाएगा? नहीं जी जी काय चलो पराठा ठीक है भैया, ठीक बना। हाँ ठीक। अभी अभी हम बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं, सिंथन टॉप। तो इसीलिए इसको कहते हैं सिंथन टॉप। तो देखिए यहाँ पर हर जगह पूरी ऐसे ऐसे, पर इतना ठंडा भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर बाइक है जो जीजू चलाने की कह रहे थे, तो जीजू चला के उड़ेंगे पहाड़ियों पे। अरे अब दादा और सो गाइस दिस इज सीन। और ये हमारा उठ गया है सुबह सुबह, ये पूरे रास्ते सोते सोते आया है। ए टू दिख रहा नहीं है, चिक्की चिक्की तो सो रहा है। हम आ चुके हैं, हमने बाइक नहीं खरीदी, तो हम ऊपर आ चुके हैं बैठे। अच्छा आ मेरे बेटू, देखो इधर देखो। गाइस आइस में खेलने के बाद में ना बहुत टायर्ड हो गए हैं और सब लोग हैं। गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से, एक वही है मटन टेम्पल वहाँ पर। तो यहाँ पर इनको लग गई भूख, तो ये खा रहे हैं बिस्किट। सो बाय बाय।
गाइस ऊपर बर्फ में ना बहुत कानों में ना ऐसी इतनी गाय माय ब्रेन इज गॉट फ्रीज्ड ब्रेन इज नॉट वर्किंग एट ऑल गाइस अभी तो मुझे ना यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा ना बाहर अब आ गया बाहर तो इतना ठंडा है तो गाइस ये देखिए बाय 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 सिंथेन टॉप बाय सो अब मिलते हैं आपको मटन टेंपल पर अभी रास्ते में हम कर रहे हैं भुट्टा पार्टी वहाँ से आ चुके थे तो थोड़ा सोचा रास्ते में कुछ कुछ खा लेते तो देखिए चिकी कैसे खाने पर टूट पड़ा है और सबको दे दिया है जीजू ने सो चिकी ले खाओ आकर सो गाइस अभी अभी हम आए हैं मटन टेंपल ये मतलब हम सिंथेन टॉप से आए थे तो थोड़ा सा दूर था यहाँ पर ये कहते हैं मछली ये थी मछलियाँ ये थी यहाँ पर मछलियाँ देखिए गाइस उस साइड भी वापस से एप्पल गार्डन घूमने के लिए तो बाहर यहाँ पर मतलब फ्रेश एप्पल का जूस मिलता है तो देखिए गाइस एप्पल का है ये रहे ये रहे ये रहे दिस इज द एप्पल वो एप्पल है वो सारे हैं अच्छा वो तो आप खींचे काटना मत फिर यहाँ ये लाल चेयर जो है ना यहाँ जूस पीना है अच्छा ये पूरा अपना बगीचा है जहाँ आपका ये क्या बिल्कुल 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 अच्छा तो गाइस इनका बगीचा है ये पूरा एप्पल का कहाँ से सर सो गाइस अभी अभी हम आए हैं ये पूरा बगीचा इनका है क्या नाम है भैया नजीर अहमद पूरा बगीचा है सर्व करेंगे वही पे ठीक ठीक तो ये भैया सर्व करेंगे जूस तो हम देखते हैं सब कुछ आने के बाद एप्पल गार्डन एप्पल गार्डन में हम देख रहे हैं पीछे इनका हमने बताया था इनका उनका गार्डन है ये पूरा वो ही ऑर्गेनाइज करते हैं इसमें देखिए अभी मतलब ये अब हमारा हम सुबह से घूम रहे थे तो ये अब हमारा लास्ट पॉइंट है इसके बाद जाएंगे हम घर भैया ने हमें दिए एप्पल टेस्ट करने के लिए कि टेस्ट करके बताइए आपको पसंद आएगी तो वो बनाएंगे जूस तो अब हम अरे टेस्ट करने के लिए तो रखी नहीं मिली एप्पल ही 50 रुपए का गिलास है सो अब हम पहले एप्पल टेस्ट करेंगे नहीं कोई पानी गाइस एप्पल बहुत अच्छी कैसी है एप्पल कैसी है वेरी टेस्टी एप्पल बहुत टेस्टी है मतलब जूस हां नेचुरल टेस्ट है सबका यही है रिव्यू बेटे कैसा लगा बहुत टेस्टी चलो तो आप जूस पी के देखेंगे जूस कैसा लगता है तो गाइस इस गार्डन में एप्पल गार्डन में देखो जूस ये प्योर बनाते हैं जी ये यहाँ एप्पल रख रखे हैं इसमें कोई चीनी कोई मसाला नहीं है प्योर है नो वाटर इवन प्योर एप्पल जूस बना के दिखाएंगे ये आपके सामने बना के पिलाएंगे तो कभी भी अगर इधर आना हो पहलगाम में तो आप ये एप्पल गार्डन से ये देखो आपके सामने बिल्कुल प्योर एप्पल लेंगे और ये अपन दोनों एक में पियेंगे
ये वो जूस नहीं है यहाँ, दो दो तीन तीन मतलब प्योर प्योरिटी है ना, जो कहते हैं उसमें चीनी भी नहीं डाली, फिर भी ये इतना मीठा है ना, मतलब मजा आ गया। दीजो बहुत टेस्टी है दीजो, फिर आई इन माय लाइफ फर्स्ट टाइम आई एम ड्रिंकिंग देयर ओरिजिनल एप्पल जूस। अच्छा गिमी पियो पियो। हे गाइस, तो ये था पहलगाम का हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो आगे के व्लॉग के लिए बने रहिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।